सो हेलो एवरीवन, दिस इज एडवोकेट राधिका शर्मा। और अब आज का जो हमारा टॉपिक है, आई वांट टू ड्रॉ योर अटेंशन, इज़ जैसे हम सब गाड़ी चलाते हैं, हमने सबने देखा है कि जो चालान कटते हैं हमारे हेलमेट ना होने पे, लाइक लाइसेंस ना होने पे, आरसी ना होने पे। सो इसी पे ही एक लाइक टॉपिक लिया है आज का, जो कि रिसेंट एक केस से आया कि लाइक हाउ कैन यू गेट द चालान डिस्पोज, यानी हम उसको कैसे डिस्पोज कर सकते हैं। सो लाइक इसमें ना टू टाइप्स, इसमें हम दो तरीके से डिस्पोज कर सकते हैं चालान को, इज बाय कंपाउंडिंग और बाय डिस्पोजल इन द लाइक कोर्ट में। सो डिस्पोजल ऑफ चालान बाय कंपाउंडिंग इज, जो हमारा चालान है वो चालान रेज हुआ है बाय ट्रैफिक पुलिस में। सो उस केस में द जो चालानिंग ऑफिसर होते हैं, मे कंपाउंड द सर्टेन लाइक कंपाउंड करेंगे द चालान एट द स्पॉट, लाइक उसी जगह पे बाय इट सेल्फ एंड बाय डिपोजिटिंग द नोटिफाइड अमाउंट, यानी एज इन जो भी हमारा अमाउंट होगा चालान का, वो उसी जगह पे वो हमसे लाइक करेंगे। एंड और इफ़ यू आर चालान बाई लाइक, अगर ट्रैफिक पुलिस से हुआ है तो पहले वाला जो भी मैंने बताया कि उसी जगह पे वो जो भी नोटिफाई अमाउंट होगा वो कंपाउंड करेंगे। एंड इफ़ द चालान बाई, अगर हमारा जो चालान कटा है वो बाई ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के थ्रू हुआ है, सो उस केस में लाइक वी मे कंपाउंड द चालान एट द स्पॉट इट सेल्फ बाई डिपोजिटिंग नोटिफाई अमाउंट, जो भी लाइक अमाउंट होगा जितने का भी हमारा चालान कटा होगा। एंड जो चालान है वो ओनली कंपाउंड होगा बाय द ड्यूटी ऑफिसर नी वर्किंग डेज, और हमें इस चीज़ में ही ध्यान रखना है कि ओनली सर्टन ऑफेंसेस कैन बी कंपाउंडेड। सो अगर लाइक सेकेंड जो हमारा ऑप्शन था इज, अगर डिस्पोजेबल ऑफ चालान इन द कोर्ट, अगर हम कोर्ट में चालान डिस्पोज कराते हैं तो फॉर डिस्पोजल इन द कोर्ट यू लाइक, अगर हमारा सपोज जो भी चालान कटा है तो उसमें डेट एंड कोई जो भी यानी कोर्ट की प्लेस होगा, सो वी हैव टू अपियर दैट प्लेस एट उसी टाइम पे जो भी चालान में मेंशन होगी। एंड यू विल बी ट्रेल बाय द कोर्ट डिपेंडिंग अपन वेदर यू प्लीड गिल्टी और नॉट, एंड इफ प्लीड गिल्टी देन कोर्ट में इम्पोज करेगी पेनल्टी ऑन द फैक्ट एंड सरकमस्टांसेस ऑफ द केसेस। एंड इफ लाइक हम गिल्टी प्लीड नहीं है, सो यू हम जो है पूछ सकते हैं कोर्ट से टू सबमिट द ग्राउंड और डॉक्यूमेंट ऑन द बेसिस ऑन विच यू डू नॉट लाइक प्लीड गिल्टी। एंड आफ्टर हियरिंग यू लाइक आफ्टर कोर्ट हमारी लाइक बात सुनने के बाद में एंड द चालानिंग ऑफिसर की, द कोर्ट डिसाइड करेगी कि क्या करना चाहिए इस केस में। सो थैंक यू एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, गुड नाइट।